देखिए बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है और देश भी आत्मनिर्भर बना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ऊर्जा क्षेत्र में हम सभी आत्मनिर्भर बने हैं, लेकिन कई रिमोट इलाकों में अगर परीक्षा के दौर में यह स्थिति बनी है तो यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और छात्रों को उनके परीक्षा के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो मिलनी ही चाहिए। और अगर कहीं भी ये घटना हुई है कि हेडलाइट में अगर इस तरह से परीक्षा छात्रों को देना पड़ा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी। छात्रों के साथ पूरी सहानुभूति है, संवेदना है। मुझे लगता है कि आने वाली परीक्षाओं के लिए ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को और परीक्षा विभाग के लोगों को देखना चाहिए। मोतिहारी के एक स्कूल में हेडलाइट जला के एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे, ऐसा एक वीडियो आया। देखिए चारों ओर तो बिहार सरकार ने नौजवानों का, छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर ही दिया है। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा कि अब छात्र एग्जाम दे रहे हैं, जब लाइट कट जाती है तो गाड़ी के रोशनी। अब ये बताए बिहार सरकार कि ये जो बात करती है कि हमने बिजली दिया तो कहाँ है बिजली, अभी तो लालटेन ही हमारा काम आ रहा है। तो सरकार जो है जुमलेबाजी करने में जिस तरह से मस्त है और छात्र नौजवान परेशान है, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं मिल सकता। ये नमूना सरकार ने जो पेश किया है, हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट से लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। सरकार पूरी तरह से नकारा और निकम्मी साबित हो रही है। जो ऊर्जा के नाम पर, बिजली के नाम पर हजारों करोड़ पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इसके बाद भी आज परीक्षा हेडलाइट गाड़ी का जला करके छात्र दे रहे हैं। ये बताएं सुशासन की सरकार, नीतीश सरकार, कि क्या यही आपका दावा है? जो दावा करती है डबल इंजन की सरकार कि हमने जो है बिजली घर घर पहुंचाई, तो परीक्षा हॉल तक आप बिजली नहीं दे पाए तो घर घर क्या आप खाक दीजिएगा बिजली?